गेंटर टॉकीज परिसरातील सिंधीखाण्याला संबंधित विभागाने परवानगी दिलीच कशी असा संतप्त सवाल प्रत्येक नागरिक विचारताना दिसत आहे। सोलापूर शहरात अनेक अवैध धंद्यांना ऊत आलेला असताना आता गेंटल चौक परिसरात असलेल्या तजम्मुल उस्ताद फंक्शन हॉल परिसरात एक शिंदीखाना थाटात सुरू होण्याच्या तयारीत असून या शिंदीखान्याला संबंधित प्रशासनाने परवानगी दिलीच कशी असा सवाल या परिसरातील नागरिक करत आहेत। कोणतर पाहुणे असं काय म्हणते असं गल्लीत सिंधी दुकान असं काय म्हणत येणार जाणे पाहुणे येणार विचारणार ना मग मग लोक आते जाते और काले जाए और हमारे घर में नहीं जान जमान बच्चे है मेरे और मेरे घर में आदमी नहीं है मेरी बच्ची बेवा है इसकी जिम्मेदारी कौन इसकी जिम्मेदारी गली वाले के है के बोलो गली वाले के है के बोलो या जिम्मेदारी करके अब हमारा मुश्किल होता देखो बस इतनी दुआ है कि हमारी ये नहीं होना देखो हमारे घर के सामने हमारे घर में आदमी नहीं सोया हमारे बच्चे ये मेरी बच्ची बेवा है बाजू में दवा खाना है इधर स्कूल है कॉलेज है और यहाँ बीड़ी कारखाना है और ये साइड कुछ है देखो ये सब इधर के चाहिए हमारे इधर ये एरिया के इधर के चाहिए हमारे हमारा उनका 10 फुट का भी अंतर नहीं है तो ये अच्छा लगता क्या बोलो घर के सामने आना ही है हमने नाप कुछ दिया मालक नाप कुछ दिया घर मालक पूछेगा या परिसरात तजम्मुल उस्ताद फंक्शन हॉल आहे। या हॉलमध्ये वर्षाचे 12 महिने लग्न समारंभ आणि विविध कार्यक्रम होतात। तसंच हाकेच्या अंतरावर राजेबाई हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज आहे। जवळच डॉक्टर मणियार यांचं हॉस्पिटल आहे। या परिसरात बिडी कारखाने असल्यानं मोठ्या प्रमाणात महिलांची ये जा असते। तसंच या मार्गावरून शाळकरी मुलं शाळेला जात असतात। अशा परिस्थितीत शिंदीखाना सुरू झाल्यानंतर तळीरामांचा मोठा त्रास उद्भवण्याची शक्यता आहे। हा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी लवकरच सुरू होणाऱ्या शिंदीखान्याला या परिसरातील नागरिकांनी जोरदार विरोध केला आहे। तो अब इसको कल का तो क्या हुआ तो इसकी जिम्मेदार कौन है शासन है या मंजूरी देने वाले हैं उन्होंने मंजूरी अगर दिए तो आपको देखे क्या मंजूरी देने से पहले क्या यहाँ हॉस्पिटल है क्या यहाँ दवाखाना है क्या यहाँ मस्जिद है क्या यहाँ मंदिर है क्या यहाँ बीडी कारखाना है क्या यहाँ से ज्यादा जाना आना पूरा टोटल 100% लेडीज का है। सामने 30 मीटर पर बीडी कारखाना है कम से कम रोज कारखाना है वो कम से कम रोज 300-400 लेडीज आती जाती है यहाँ से। अब यहाँ नीचे कॉलेज है जो अभी नीचे पात्री चौक के बोलो फिर यहाँ पीछे जो मार्केट है उसके वहाँ के बोलो सब जो जवान लड़के आए कॉलेज को आना जाना ये रोड से करते हैं। इससे पहले पर क्लब बियर बार था वहाँ पर वैसा हादसा होने के बाद पे मर्डर हुआ कर बोलकर वो बंद करे सोए सेंधी पीकर चाहता जो मरने वाला था वो सेंधी पीकर आया था उन्हें मरा था वहाँ। तो अभी यहाँ भी इन्होंने सेंधी खाना खोल रहे हैं इनको अगर परवानगी है तो इन्हें यहाँ से निकालकर सिटी के बाहर कहाँ भी डालेंगे हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। बस हमारी यह विनती है कि यहाँ हमको नहीं होना बस हाथ जोड़ के यह विनती है कि हम जो बता रहे बोल रहे उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होना और जल्दी से जल्दी होना और ये शुरू होने के पहले बंद होना ये हमारी विनती है।